पहले हम इस वचन को देखेंगे, प्रभु भोज को खाने से पहले हम वचन में जाएंगे। चलो अपनी अपनी बाइबल को ले लो और ऐसे ही पढ़ना है। फर्स्ट करंथियों उसका 11 अध्याय निकालो। बाइबल नोट कर लो नहीं तो, और सुनो जो पढ़ सकते मेरे साथ साथ ध्यान से वो नोट करो। तो हम 11 की 23 से पढ़ेंगे 23। तो यहां पे 23 में क्या लिखा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुझे भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से उस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता, इसलिए हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमीन। कितनों को समझ आया? क्योंकि ये एक बहुत ही ये पवित्र एक चीज है। बोलो क्या? प्रभु भोज को लेना, उसे खाना, ये एक बहुत ही पवित्र पार्ट है, हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है इसको खाना और पीना। पर लिखा जो खाते पीते हुए ना पहचाने, जहां उसे अनुचित रीति से खाए वो प्रभु की देह के लहू का अपराधी ठहरता है। इसलिए वचन कहता अपने आप को जांच लो, परख लो। खाने से पहले क्या करो, इस रोटी को इस लहू के कटोरे से पीने से पहले अपने आप को जांच लो, परख लो खाने से पहले, क्योंकि लिखा जो खाते पीते हुए प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाता है। क्या लाता बोलो? तो इसलिए सबसे पहले जांचो, मेरे जीवन में कोई पाप तो नहीं है, मैं कोई अनुचित रीति से तो नहीं चल रही, हाँ मेरे साथ किसी का रॉन्ग रिलेशन तो नहीं है, संबंध तो नहीं है, किसी के साथ फ्रेंडशिप तो नहीं है, कोई मैं गंदी मूवीज वीडियो तो नहीं देखता, कोई ऐसी मन के मेरे दिमाग में कोई ऐसी पाप की सोचें तो नहीं है, हाँ किसी के साथ मेरी वैर रोधता ईर्खा, हाँ कोई चुगली कोई निंदा वाली ऐसी पाप की मेरे अंदर चीजें तो नहीं चल रही, हाँ मैं अपने पड़ोसी के साथ क्या कर रही हूं, ये सारी चीजें क्या कर लो, समझ आ रही है? तो जिसके जीवन में है ये अभी भी चीजें, बोलो क्या है? जिसके जीवन में ये चीजें हैं अभी भी, वो मत खाओ, वचन ये कहता है, पहले वो सिद्ध हो जाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन क्यों कहता है पवित्र लोग सिद्ध हो और मसीह की दे उन्नति पाए, क्योंकि इसको खाने से पीने से हम उन्नति पाते हैं। बोलो क्या बनते हैं? उन्नति में जाते हैं, उन्नति में। इसलिए वचन क्या कहता है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, सोने का मतलब मर गए, इसे खाते खाते क्या हो गए, अपनी बीमारियों में अपनी तकलीफों में अपने दुखों में वो सो गए, मतलब मर गए, जो जिस चीज के लिए वो प्रार्थनाएं करते थे, परमेश्वर रोते थे, प्रभु दे 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 दे, मेरे घर के हालात बहुत ऐसे हैं, प्रभु ध्यान कर कृपा कर, बहुत रो रो के वो प्रार्थना ही करते थे, उन्होंने जांचा नहीं परखा नहीं।
जहां तो उन्होंने समझा नहीं या फिर समझाने वाले ने उन्हें समझाया नहीं। तो मेरी परमेश्वर से हर समय खुद के लिए और आपके लिए भी प्रार्थना होती है, इस मंडली के लिए। मैं हमेशा रोज एवरीडे प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य था। क्या था बोलो? मैं एक पापी मनुष्य था, तुझसे दूर था, पाप में घिरा हुआ था, गंदगी में कैसे जीवन में जी रहा था, पर तेरी दया के कारण बचाया गया हूं। तूने बड़ी दया से मुझे बचाया परमेश्वर, मैं से योग नहीं था प्रभु। बोलो क्या मैं इस योग थे? हम इस योग बोलो थे हम योग कि यहां पे परमेश्वर की पवित्र उस सभा में उस पवित्र लोगों में खड़े हो सके? थे हम इस योग? किसने हमें इस योग समझा? तो ध्यान से फिर समझो, परमेश्वर पिछले पुराने पापों को वो याद नहीं करता। तुमने एक किए, 100 किए, 1000 किए, 1,00,000 किए, वो माफ करता है। पर लिखा जो जानकर सच्चाई को, जैसे इब्रानियों 10 की में भी 26 में लिखा होगा, ऐसे क्या लिखा होगा ये देखो, हाँ 26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। दंड का एक भयानक बार जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। क्या कर देगा? विरोधियों को भस्म कर देगा, भस्म, खत्म हो जाएंगे वो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए इसको खाने से पहले जांच लो, परख लो, मेरे जीवन में कोई पाप तो नहीं है? हाँ, मेरे अंदर वो गुस्से की आत्मा तो नहीं काम कर रही अभी, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। हाँ, जितने लोग आज से इसे जांच कर परख कर खाएंगे वो बहुत बढ़ेंगे और आशीष होंगे। क्या होंगे बोलो? वो बहुत बढ़ेंगे और आशीष होंगे। नशा करने वाला तौबा करे। नशा करने वाला क्या करे? जो लोग नशा करते हैं तो उसी में देव यीशु के देह को भी क्या कर रहे हैं? एक साइड पी रहे हैं एक समय, एक साइड वो बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह की देह को और उसके लहू को भी पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? तो सब चीजों में जांच लो, पहले सिद्ध हो जाओ फिर खाओ, नहीं तो मत खाओ। वचन ये कहता है, कहता जो अनुचित रीति से खाता है, क्या करता है? जो अनुचित रीति से खाता है वो क्या करता है? अपराधी ठहरता है। क्या ठहरता है बोलो? जो अनुचित रीति से खाता वो अपराधी ठहरता है। वैसे तो परमेश्वर माफ कर देगा, क्या कर देगा बोलो? माफ कर देगा। पर अगर हम सच्चाई को जानकर बपतिस्मा लेकर भी अभी भी पाप की चीजें कर रहे हैं तो ये एक दंड का कारण बन जाएगा। हो सकता है वैसे परमेश्वर तुम्हें माफ कर दे, क्या कर दे बोलो? परमेश्वर तुम्हें, पर तुमने इसे जांच कर परख कर नहीं खाया। तो आज से जांच कर परख कर खाओ। कितने लोग इसे जांच के परख कर खाएंगे? ऐसे कोई मत खाना। यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ें आई तो भीड़ों को देखकर वो खुश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर को मतलब है उन लोगों से जो पूरी तरह से उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, ये नहीं कि प्यार नहीं करता, वो चाहता है। यीशु मसीह ने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा सोचते हो। सोचते हैं कि नहीं सोचते? हर माता पिता अपने परिवार के लिए क्या करता है? तो तुम बुरे होकर उनके लिए अच्छा सोचते हो तो क्या वो परमेश्वर आपके लिए गलत सोचता है? पर वो परमेश्वर वचन से बंधा हुआ परमेश्वर और आज्ञाओं का और नियमों का परमेश्वर, और उससे वो बाहर कुछ नहीं करता। तुम रो 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 के प्रार्थना करो, कुछ करो, घिसो पिटो, तुम वो नहीं करेगा जब तुम वचन की बात को नहीं पूरा करो।
तो तैयार हो फिर आज से, तैयार हो फिर, मैंने कहा। तो इसको जो लोग अभी भी ये चीजें कर रहे हैं, पाप में चोरी ठगी गलत चीजें कर रहे हैं, तो छोड़कर इसे लेना, क्या लेना बोलो, इसे छोड़ कर लेना, छोड़ कर लेना। अगर किसी के साथ लाग डांट है, मन में विरोधता है, ईर्ष्या किसी के प्रति, तो उसे निकालो पहले। अगर निकाल कर आज तौबा करके तौबा कर लोगे कि प्रभु ठीक है, मैं अंगीकार करती हूँ, विश्वास करती हूँ आज अपने पापों का फिर से, कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिसने मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उसने लिखा रोटी तोड़ी। उसने कहा ये रोटी नहीं मेरी देह है। एक बियारी में एक वाचा का एक कटोरा लहा, उसने कहा ये मेरा लहू है, मेरी यादगारी में किया करना, जब तक मैं ना हूं तो मेरी यादगारी में क्या किया करना, ये किया करना। तो तैयार हो फिर आज, अपने हाथों को उठाओ, जितने भी ऑनलाइन इस समय हमारे साथ हैं, अपने घरों में अपने हाथों को उठाओ और अपने मन को उस खुदा के सामने रिपेंट करो, पश्चाताप करो, तौबा करो, ताकि वचन कहता अनुचित रीति से खाने से अपराधी न ठहरो। ऐसा ना हो कि उसे खाते पीते हुए ना पहचाने और हम दंड का कारण बने। इसलिए कहता तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। इसलिए हाथों को उठाकर, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम है, बाइबल कहती है अगर उसका प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो हम खाली एक बर्तन की तरह हैं। उठाओ अपने हाथों को और तौबा करो। जो भी आपके आपसे गुनाह और गलती हुई है प्रभु से कहो, मैं वादा करती हूं प्रभु, वादा करता हूं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, करूंगा तेरी रिस्पेक्ट करूंगी, इज्जत करूंगी खुदा। यह भी एक पाप है कि लेट आना खुदा के घर, उसकी आज्ञाओं को ना मानना, यह भी एक पाप है। जितने लोग भी प्रभु की हजूरी में लेट आते हैं, ये भी एक किस्म का पाप है, अपराध है, क्योंकि हम उसके नाम को इज्जत नहीं दे रहे। इसलिए रिपेंट करो और पश्चाताप करो अपने जीवन को। मैंने कहा रिपेंट करो, पश्चाताप करो, तौबा करो कि प्रभु मैं वादा करती, मैं वादा करता हूं प्रभु, जिससे भूल से हुआ है, लेकिन वो ध्यानवान है, दयालु परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास है कि आज से जितने लोग इसे जांच कर परख कर खाएंगे, मैं आपको प्रोफेटिक ये वर्ड दे चुका हूं, क्योंकि वो बढ़ेंगे, आशीष होंगे, रोग जाएंगे, परेशानियां जाएंगी, डिप्रेशन, बोझ, जिस चीज से भी आप परेशान हो, खुदावंद अपनी शांति से, अपनी ध्यान से, अपने अनुग्रह से आपके जीवन को भरेगा। इसलिए आज तौबा करो और अपने मुंह से अंगीकार करो कि जो भी प्रभु गलती हुई है मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर प्रभु, माफ कर, क्योंकि वो इतना ध्यानवान परमेश्वर है। इसे लिखा उसका जो प्रेम है वो आगापे है। संसार का प्रेम फिलियो है और परमेश्वर का प्रेम आगापे है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो इतना प्रेम आपसे करता है। मैंने कहा वो इतना प्रेम आपसे करता है, वो चाहता है कि मेरे लोग, मेरे बेटे और बेटियां आपको ऐसे, परमेश्वर ऐसे आपको देखता, वो बेटे बेटियां करके देखता है। वो बहुत आशीष जीवन, बहुत भला अच्छा जीवन जिए। तौबा करो हर चीज के लिए कि मुझे माफ कर परमेश्वर। हम सब एक मिनट के लिए और अपने हाथों को उठाकर इसी तरह से प्रार्थना में रहेंगे और अंगीकार करेंगे।
Amen. 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 Hallelujah. आपको बता मूसा की व्यवस्था में जो आज्ञा थी कि 10 दिन तुम अपने काम करो और 7वां दिन तेरे मारे यहोवा परमेश्वर का विश्राम का दिन है। इस दिन कोई भांति का काम करना, कोई कुछ नहीं करना। बाइबल कहती उस समय व्यवस्था का ऐसा स्टिक कानून था, लोग चूल्हा तक नहीं जलाते थे, पशुओं को भी अपनों को कोई पानी कोई चारा कुछ नहीं देते, खुद भी नहीं। और वो समझ आ रही है ना, पशुओं को कुछ देते थे ना खुद कुछ खाते, चूल्हा तक नहीं जगाते। बोलोगे कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो शब्बत के दिन ये करते थे। उस समय परमेश्वर ने कहा था ये करीती है कि एक मेमना लेना, क्या लेना बोलो, उसको शाम को गोलित के ऐसे लिखा है कि शाम के समय उसको एक निर्दोष बछड़े को लेना, क्या लेना, जो नर हो और निर्दोष हो, कैसे कैसे उसे पकाना खाना है सारा बताया। पर इसीलिए लिखा कि हमारे लिए तो फस्से का मेमना यीशु बलिदान हुआ है, पर उसने बलिदान होने से पहले ये एक आज्ञा दी थी। क्या दी थी? एक आज्ञा दी थी। आज्ञा कितने मेरी बात सुन रहे, एक आज्ञा दी थी कि मैं अपनी देह मैं अपना शरीर तुम्हारे लिए देता हूं, मैं अपना लहू तुम्हारे लिए देता हूं। कितने मेरी बात समझ रही। देखो परमेश्वर के वचन को कभी भी मजाक मत समझना। कुछ लोग इसे हल्के में लेते हैं, और जितने इसे हल्के में लेते हैं ना, क्यों पौलुस ने कहा तुम में से बहुत से लोग रोगी हैं, निर्बल हैं और रोगी हैं और सो भी गए। इसे कहता इसीलिए इसे जांच कर परख कर खाओ और पियो। क्या करो बोलो, इसे जांच कर परख कर क्या करो, तब खाओ, ऐसे मत खाना। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा कितने मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसे जांच कर परख कर नहीं खाएंगे तो हम एक दंड का कारण अपने ऊपर लाएंगे। क्या लाएंगे बोलो, एक दंड का कारण लाएंगे अपने ऊपर। समझ रहे हो? ये देखो मैं आपको पुराने नियम से भी थोड़ा पढ़ाता हूं। ये निर्गमन निकालो, बारह अध्याय लिखा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के एक 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 मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी और पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। समझ आ रही है? क्या हूं, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लो, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उसे दिन गोदिल, गोदिल का मतलब होता शाम के समय, और उस दिन गोदिल के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब उसके लहू में से लेकर जिन घरों में मेमने रखो उसके द्वारा उनके द्वार के दोनों अलगों चौखट के सिरे पर लगाओ, और वे उसके मांस की उसकी
उसी रात आग में भूस कर खमीरी रोटी और कड़वे साग पत्त से खाएं। उसके सिर पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूस कर खाना, कच्चा जा जल में कुछ भी पकाकर ना खाना और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव के जूती पहन और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना और उसे यहोवा का पर्व होगा, ऐसे करके कहा। बोल गए, ये यहोवा का पर्व मतलब एक उस समय की इज़राइलियों की रीति, जैसे आज परमेश्वर ने कहा ये मेरे स्मरण के लिए मेरी यादगारी में किया करना। समझ आ रही है? तो आज इसलिए भी जो इसे खाते हैं उसे ध्यान से खाएं, क्योंकि आज्ञा को मानना है। कहते मेरी बात सुन रहे हो? बोलो क्या? आज्ञा को मानना है, आज्ञा को मानना है। तो अगर आपने आज जांच लिया, परख लिया, तोबा कर ली है कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूं, मैंने क्यों ये आपको प्रोफेटिक दिया कि वो आज से बहुत फलेंगे और आशीष होंगे। बोलो क्या? जो रोते रहते ना, रोते रहते मेरा ये काम वो ये सफलता नहीं मुझे मिल रही, हाँ देखना कैसे खुदावंद सफलता देगा और कैसे उन्हें ऊंचा करेगा। जाते हो? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, देखो वचन कह रहा ना, क्योंकि अगर तुम अपने अंदर कुछ भी अंदर कुछ रखोगे, शैतान का वचन अंदर रखोगे, तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो पाप के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया और उसने कहा मैं संसार के लिए अपनी देह अपना लहू देता हूं और मेरी यादगारी में किया करना, और तुम इसे बड़ा खा रहे हो। पर पौलुस कहता तुम अनुचित रीति से ना खाओ, नहीं तो अपराधी ठहरोगे। जांच कर परख कर खाओ, क्या करो बोलो? ऐसा ना हो कि तुम दंड का कारण तुम किसी चीज के लिए ठहरो। कितनी बात मेरी समझ गए? तो हम आज जो हमने प्रार्थना की है, अगर आपने इस बात के लिए तौबा कर ली है, अंदर से वो सारी कुड़त्तन, अपने अंदर से वो सारी ईर्ष्या को निकाल दिया है, उस प्रेम को अंदर ले आए जो परमेश्वर प्रेम है, तो आज जब खाओगे आपको एक शांति फील होगी। जब खाओगे इसे पियोगे ना, आज इसे कुछ खाने से पीने से कुछ हलचल होगी आपके जीवन में। तैयार हो ऐसा जीवन जीने के लिए? हाँ तैयार हो? फिर क्या फायदा है आधी चीजें करने का? चलो तो पूरा चलो, फिर छोड़ दो वो संसार की पाप की चीजें। क्या रखा है, क्या ले जाना इस दुनिया से? ले जाना कुछ? बोलो, यहीं पर रहेगा सारा कुछ, मेरी मेरी करते सब कुछ यहीं पे रह जाएगा दौड़ते हुए। पर खुदा ने कहा वो तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। तो जिसको भी जो चीजें कठिन लगती है, क्या लगती है? औखी लगती है, वो खुदा के आगे रखो, जिसका वचन कहता है मुझसे प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करो उस परमेश्वर के आगे, रास्ते वो खोलेगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। नहमिया ने प्रार्थना की राजा का, उसने मन को बदल दिया। तो आपके जो भी मालिक हैं, जहां पे भी आप काम करते, क्या परमेश्वर उनके मनों को बदल सकता है कि नहीं? जिन लोगों के मालिक काम वाले छुट्टी नहीं देते आपको, अपनी प्रार्थना की नहीं, अपने चाहत की नहीं, तो आज ले लो। अगर आपने जांच लिया तो परख लिया है, तोबा कर लिए, लो आज आप बड़ा ब्लेस होने वाले हो।